लैला मजनू के प्यार के बारे में आप लोग सुने और पढ़े होंगे, लेकिन जो आज हम सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपका अंदर का आत्मा जो होता है वो कर्रा उठेगी। आखिर कैसे 19 साल की लड़की के प्यार में एक तरफ उसका मोहब्बत तो दूसरे तरफ उसका बाप खड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों में से एक को चुनना था, फिर भी लड़की के मोहब्बत इतना खौफनाक क्यों हो गया? आज की जो सच्ची घटना की कहानी आपको सुनना चाहिए। एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। इस उम्र में किसी को प्यार हो जाना आम बात होती है। इस लड़की को भी एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों में इतना प्यार बढ़ गया था कि अब ये दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की ने घर पर बातों ही बातों में प्यार की कहानी सभी परिवार वालों को बीच बता दी। प्यार की बात सुनते ही पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस गुस्से को देख लड़की भी बहुत दिनों तक घर में गुमसुम रहने लगी। इस बीच जो लड़की का प्रेमी था अपने घर वालों को शादी करने के लिए मना लिया, पर लड़की के परिवार में ऐसा नहीं हो सका। बात सुनना तो दूर की बात, उस पर चर्चा करना भी गुनाह बन चुका था लड़की को परिवार वालों के बीच। आखिरकार मामला बिगड़ता गया। लड़की के पिता अब उस पर बात करने को तैयार नहीं थे। अब लड़की के सामने मुश्किल बढ़ने लगी थी। लड़की के पास केवल एक ही ऑप्शन था, या तो प्यार चुनना था या फिर परिवार। आखिर वो किसे चुनती? एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ परिवार था। अब वो कुछ सालों के प्यार के लिए जन्म देने वाले माँ बाप को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, और ना पिता के जीत के सामने उस प्यार को, जिसे लेकर उसने कई सपने देख लिए थे। इसलिए उसने प्यार और परिवार दोनों को चुना। वो दोनों को साथ मिलाकर चलना चाहती थी, पर परिवार को ये बात मंजूर नहीं था। लेकिन माँ तो माँ होती है, औलाद कितने भी निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन माँ उसे इग्नोर नहीं करती। वहीं माँ तो बेटी को प्यार की स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन पापा चाचा और ताऊ बिल्कुल खिलाफ थे। आखिरकार वो वक्त आ गया जब उस लड़की को प्यार की कीमत चुकानी पड़ी। अब प्यार की कीमत आखिर क्या थी? कीमत भी ऐसी वैसी नहीं थी, बेहद ही खौफनाक थी, बेहद ही दर्दनाक थी। जिन उंगलियों ने पकड़कर उस लड़की को चलना सिखाया, जिन हाथों ने उसे कंधे पर उठाया, उसी हाथ में अब धारदार हथियार था। जिन चाचा और ताऊ ने कभी गोद में खिलाने के लिए जिद पे उस प्यारी बच्ची को पापा के हाथों से छीन लेते थे, उन्हीं चाचा और ताऊ ने आज उस मासूम को हाथ और पैर को मजबूती से जकड़ लिया था। इसलिए नहीं कि खेलते हुए शरारत करते हुए वो कहीं भाग जाएगी, बल्कि इसलिए कि जब उसे मारा जाए तो वो खुद को बचा ना सके, उसका गला काटा जाए तो वो कहीं भाग ना सके। फिर वो कयामत की रात आ गई। वो रात थी 6 मार्च 2023 की। सामने थी वही 19 साल की बेटी। अब उसके हाथ रंग गए, लेकिन मेहंदी से नहीं, बल्कि गाढ़े लाल रंग के खून से। और ये खून करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही बाबुल थे, जिसके हाथों से कभी उसने खुद को डोली में उठाने का सपना देखा था। वो सपने आंखों के सामने टूट रहे थे। उस बेटी के हाथ पर चाचा ने पकड़े थे और पिता ने सब्जी काटने वाले पहसुल से गला काट दिया। पास में खड़ी उस लड़की के माँ रोती रही, बिलखती रही, कभी हाथों से पकड़ कर बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन तीन चार मर्दों के सामने वो माँ भी बेबस दिखी और चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन क्या बाबुल और क्या ताऊ, सभी ने उस माँ को चीख को अनसुना कर दिया। और वो माँ आज उस समय से भी ज़्यादा दर्द में थी, उस दिन से भी ज़्यादा कर्रा रही थी कि जिस दिन उसने उस बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसी जन्मी बेटी को उसी माँ की आंखों के सामने गाला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लड़की के पिता, ताऊ और चाचा सभी उसकी लाश को अपने साथ ले गए और उसके लाश को खेत में फेंक दिया, और फिर वो लोग फरार हो गए। इधर माँ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों कातिलों को खोजबीन शुरू की, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो चली गई। प्यार के पाने से पहले वो इतनी दूर चली गई जहाँ फिर कभी लौट के नहीं आ सकेगी। ये कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें ये नहीं था कि किसी को भावना को ठेस पहुँचाए। हमारा उद्देश्य था कि एक रियल घटना पर आधारित कहानी आप लोग तक पहुँचाए। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपना परिवार को ख्याल रखें। धन्यवाद।